हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वाजिद खान। मैं काम करता था एसी फ्रिज रिपेयरिंग का। मेरा उम्र है 41 ईयर। मेरा स्पाइन का सर्जरी 23 फरवरी 2021 को हुआ है। मेरा सर्जरी डॉक्टर प्रियंक पटेल, डॉक्टर केशव और वी आई स्पाइन की पूरी टीम ने किया था। ओके, सो आपका जो स्पाइन सर्जरी किया था वो किस वजह से किया था, मतलब आपको तकलीफ क्या होती थी? मैं जब खड़े रहता था, मोस्टली जब नमाज पढ़ते थे हम लोग, मैं मोमेंटम से नमाज पढ़ने के वक्त जब मैं खड़े रहता था नमाज नियत बांध के, तो ये जो गादी रहती है पैर की, ये जो घुटने के नीचे, वो मेरा बहुत दुखने का। नहीं बोलता तो मैं एक दो तीन मिनट भी अगर खड़े रहूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी बैठ जाऊँ किधर भी, समझो कभी मैं बाहर किधर खड़ा हो, किधर घूमने गया हो, बस में खड़ा हो, तो मुझे 10 मिनट से ज़्यादा मुझे खड़े रहने को होता ही नहीं था। क्या होता था 10 मिनट के बाद? एकदम ऐसा था जैसे मतलब मैं अभी मतलब पैर मतलब मेरा भी मतलब बैठना ही, मुझे दूसरा उससे कुछ रास्ता ही नहीं, खाली बैठना ही, बस खाली बैठ जाओ, बस कितना ही बैठो, जरूरी क्या चेयर रहे या कुर्सी रहे या जमीन में मांडे मार के बैठ जाओ, मुझे ऐसा होने का। ओके, आज तारीख है 23/9/2023, मतलब तकरीबन तकरीबन आपको 2.5 साल के ऊपर हो गया है सर्जरी करते। सो आज का आपका जो प्रॉब्लम पहले था वो अभी कैसा है? एकदम खत्म हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आज भी याद है कि आपको स्पाइन सर्जरी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे डर थे, और लोगों ने आपके दिमाग में जो डर डाला था वो क्या था स्पाइन सर्जरी को लेकर? अरे भोजन बोलते थे क्या, वो मेन वो रीढ़ की हड्डी रहती है, कभी उसमें कुछ हो गया तो जिंदगी भर पैरलेस हो जाएगा, अपना बेड हमेशा बेड पर रहेगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर पटेल ने और डॉक्टर केशव ने, उनकी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोले आप तो इसके लिए मैंने भी तैयार हुआ और उन्होंने मुझे एकदम अच्छा कर दिया। डॉक्टर मतलब मेरे लिए फरिश्ते के तरीके मेरे सामने मतलब हो गए। तो अभी आपको जो पैरालिसिस का बोला था, तो आपने कुछ समय पहले बोला था आप एसी फ्रिज का रिपेयर, मतलब आप मेहनत का जो काम होता है, लेबर का काम होता है, वो ज्यादा करते हो, राइट? तो अभी आपका काम काज कैसा चल रहा है? सेम वही कर रहा हूँ, काम वही काम करता हूँ, वही काम कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कितना भी हेवी उठाओ, 2 किलो 5 किलो 10 किलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो मतलब आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पहले से बेहतर हो गया है, राइट? ओके, जो दर्द था वो दर्द खत्म हो गया है। ओके, कि आपको खुद को भी स्पाइन सर्जरी को लेके बहुत डर था। हाँ, बराबर बराबर सही बात। वो डर क्या था? वो ये था डर, वो क्या मतलब कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो हमेशा के लिए पैरलेस हो जाएगा इंसान, या फिर हमेशा बेड पे रहेगा, तो वो डर तो जो था ही। बाकी डॉक्टर साहब के सपोर्ट के, उनके टीम के सपोर्ट ने मुझे एकदम कुछ बोलने की बात वही नहीं है। ओके, सो मतलब आप जो सर ने और अपने वीआर स्पाइन टीम ने बोला था कि आपका प्रॉपर हो जाएगा और आप काम पे लग जाओगे, तो वही ऐसा हुआ या फिर आपने जो सोचा था वो हुआ? नहीं नहीं नहीं, जो डॉक्टर साहब ने जो बोले थे, उनकी टीम ने जो बोला था, सेम वैसा ही हुआ। और कितने समय के बाद आप काम पे वापस लग गए थे? 3-4 महीना का मुझे बोलते आराम करना, बाद में फिर मैं अभी तो मुझे 2.5 साल हो गया, समझो मैं 4 महीना कुछ रेस्ट किया, बाद में तो अभी मैं रेगुलर काम पे कर रहा, सब कर रहा हूँ। मतलब 4 महीने के बाद आप अपना जो मेहनत वाला काम है उस पे वापस से लग गए? हाँ, बराबर। ओके, ठीक है। सो आपके मतलब अपने जो समाज है उसके लिए आपको कुछ मैसेज देना है स्पाइन सर्जरी को लेके, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा क्या मतलब डरो मत, ऐसे मतलब डॉक्टर रहते हैं वो मतलब कोई छोटे मोटे नहीं रहते, वो समझ लो अल्लाह ताला ने उनको फरिश्ता बना के भेजा है, और उनके पास जाके इलाज कराएंगे तो अपन अच्छे होंगे, ना तो जिंदगी भर अपने को दर्द लेके चलना पड़ेगा। ओके, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।